नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त हाउस प्लान लेकर आया हूँ। ओके साथियों, काफी जबरदस्त है, कैसा है इसको देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह प्लान से आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया मिल सकेगा। ओके, तो बस साथियों आइए ज्यादा लेट न करते हुए अपन देखते हैं प्लान का रिव्यू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये देखिए साथियों, आप लोगों को दिख रहा होगा प्लान जिसमें एक गैरेज, मतलब दो कार रखने के लिए गैरेज है और साथ ही साथ एक गेस्ट रूम है, उससे लगा हुआ एक सेपरेट मतलब किचन भी है और एक डाइनिंग रूम भी है। ओके, और एक छोटा सा पोर्च भी है साथियों इसमें। ओके, तो आइए देखते हैं, इस प्लान को रिव्यू करते हैं। मैं आप लोगों को इस प्लान को पूरा बताऊंगा लास्ट में, ठीक। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इस प्लान का साइज आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 40 फीट, ठीक। इसकी लंबाई जो है वो, और इसका चौड़ाई देखा जाए तो 42 फीट 6 इंच है। इस प्रकार से इसका टोटल जो एरिया है वो लगभग 1700 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो आइए रिव्यू करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कवर्ड पोर्च, तो छोटा सा एक कवर्ड पोर्च है साथियों। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फायर यहाँ पर दिख रहा होगा, फायर से लगा हुआ यहाँ पर एक डाइनिंग रूम दिख रहा होगा जिसका साइज 11 फीट 0 इंच × 15 फीट 0 इंच है, ठीक। फायर से लगा हुआ एक स्टेयर केस प्रोवाइड किया गया है। उससे पहले अपन इधर भी देख लेते हैं, ये पेंट्री वगैरह कुछ कुछ जगह डाइनिंग हॉल के लिए या डाइनिंग रूम में अटैच किया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेयर दिख रहा होगा जो कि आप लोग पोर्च वगैरह में या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यहाँ से जा सकते हैं आसानी से। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा जगह छोड़ा गया है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर बाहर में दो कार रखने के लिए 18 फीट 0 इंच × 20 फीट 2 इंच का एक गैरेज एरिया बनाया गया है ताकि वहाँ पर दो कार आ सके आसानी से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया गया साथियों, देख सकते हैं POWDER, ठीक, पाउडर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक अटैच प्रोवाइड किया गया है, सॉरी यहाँ पर एक WC और वाश बेसिन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए वाश बेसिन वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर आसानी से, ठीक। इस कॉमन टॉयलेट में भी एक क्या प्रोवाइड किया गया है साथियों, वेंटिलेशन, ठीक, ताकि वहाँ का जो भी गैसेस है वहाँ आसानी से रिमूव हो सके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा किचन एरिया, ठीक। किचन का साइज जो है वो 10 फीट 2 इंच × 14 फीट 0 इंच है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा गैस चूल्हा वगैरह, ठीक, ये फ्रिज वगैरह और ये वाश बेसिन वगैरह सब दिख रहा होगा साथियों, ठीक। और यहाँ पर एक किटिंग एरिया बनाया गया है जो कि 11 फीट 0 इंच × 14 फीट 0 इंच है। ओके, और यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल रखा गया है साथियों। ओके, इसमें में भी विंडो प्रोवाइड किए गए हैं ताकि यहाँ पर भी प्रकाश का आना जाना आसानी से लगा रहे। उसके बाद ये ओपन एरिया, ओपन डोर यहाँ पर सॉरी साथियों बनाया गया है जो कि ग्रेट रूम, ठीक, जो कि 17 फीट 4 इंच × 14 फीट 0 इंच का है, ठीक। यहाँ पर भी दो विंडो प्रोवाइड किया गया ताकि आने वाले जो भी प्रकाश है गैसेस है वो आसानी से यहाँ एंट्री कर सके और रिमूव हो सके। ओके, इस प्रकार से इसमें 9 इंची वाल और साथ ही साथ 4 इंची वाल का उपयोग किया गया है इस प्लान में। देख सकते हैं, इसका फुल प्लान मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए साथियों, काफ़ी ज़बरदस्त है ये, ठीक। तो इसमें कुल मिला के गेस्ट रूम, सिटिंग रूम और साथ ही साथ डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है। ओके, और दो कार आसानी से आप लोग यहाँ रख सकते हैं साथियों। तो आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आ गई होगी, यह प्लान आप लोगों को पसंद आ गया होगा, आप लोग इससे आइडिया जरूर ले सकते हैं। यह लगभग 1700 स्क्वायर फीट के लिए इस प्लान को डिजाइन किया गया है जो कि 40 फीट × 42 फीट के लिए इस प्लान को डिजाइन किया गया है। तो आशा करता हूँ यह प्लान आप लोग समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। तो बस ये साथियों, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक से ना सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और फटाफट अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इस प्लान से आइडिया मिल सके। ओके, और फटाफट इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के एक नए और आइडिया के साथ, नए हाउस प्लान के साथ, नए डिजाइन के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथियों काफ़ी ज़बरदस्त इसी प्रकार के मॉडर्न प्रकार के जो भी लेटेस्ट हाउस प्लान है उसको पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा साथियों, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस प्रकार का मतलब आप लोगों के पास इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग जो भी हाउस प्लान है वो पहुँचेगा। तो मिलते हैं साथियों एक और ऐसे प्रकार के नए हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।